सुनीता जी, जी एक बात कहें आपसे। हम नहीं जानते कि आपसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि विष्णु और आपके बीच कुछ है जो आप दोनों छिपा रहे हैं और जिसे घर में कोई नहीं देख पा रहा। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कुछ होगा? क्या मुक्ता जी, आप भी इस बात पर विश्वास करती है कि मीठी विष्णु से प्यार करती है? आप ही ने तो हमारा साथ दिया था। आप जानती है ना, मीठी सिर्फ हमारी है, किसी और की नहीं हो सकती। आकाश जी, झूठ हो या सच, मजाक हो या हकीकत, लेकिन शादी तो वो एक दूसरे से ही कर रहे हैं ना। ये तो वक्त ही बताएगा। हम चलते हैं। मुक्ता जी, जी आपको वादा याद है ना जो मैंने आपसे किया था? अगर आपको किसी से प्यार हुआ, भगवान करे आपको ऐसी मुश्किल कभी ना देखनी पड़े, लेकिन अगर आई तो आपकी प्रेम कहानी को सफल बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं इसी घर में हूं, बुला लीजिएगा। सर, कुछ तो है इन दोनों के बीच, पता लगाना होगा। मेम साहब, ए मेरे नजर से देखिए, ए दिखाई देगा, यानी कि ए फॉर आकाश। कम इन। दो मिनट चैन से नहीं बैठ सकती क्या मैं? हर पल मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाते हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेम साहब, बस आपके हाथ में जो मेहंदी लगी है उसे देखने आया। बहुत प्यार करते हैं आपके पति, तभी तो मेहंदी का रंग इतना गहरा है। काश यही बात अब समझ पाती। मुझे कुछ नहीं समझना है, समझ रहे हो तुम? कुछ नहीं समझना है मुझे, और ना ही मैं कुछ समझना चाहती हूँ। मैं तो बस एक दिन की राह देख रही हूँ, बस जल्दी एक दिन बीत जाए, फिर तुमसे और तुम्हारी इन बातों से छुटकारा मिल जाएगा मुझे हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके यहाँ से चले जाओगे और मैं खुशी खुशी विष्णु से शादी कर लूंगी। कल मेम साहब, इस वक्त का कोई भरोसा नहीं, आप कल की बात करिए। कल में तो अभी भी 24 घंटे, और 24 घंटे में तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है, शायद आपकी भी बदल जाए। समझ गया मैं, जा परेशान नहीं करूंगा। इस जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही है आप। नजर ना लगे।
नमस्कार। नमस्कार। किसी ने फोन किया था यहाँ से पुलिस थाने में? हमने बुलाया था। दरोगा जी अंदर आइए। कहिए। हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि हमार बिटुआ कई दिनों से लापता है, उसके बारे में जानने। हम जितनी कोशिश करे कि हमार जिंदगी सुलझ जाए, कछु न कछु होत है, नई उलझन आ ही जात है हमार जिंदगी में। साहब, क्या हुआ धामनी? बेटी अपने कमरे में नहीं है। वो अपने कमरे में नहीं है। बेटी कमरे में नहीं? कमरे में नहीं है? उसका उसका कमरा ऐसे बिखरा पड़ा है, पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ चली गई बेटी? धामनी शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, बेटी यही कहीं होगी। कान्हा विष्णु, चलिए। जी राणा साहब। रुको, ये कारपेट कहाँ ले जा रहे साहब? वो गलत रंग का कारपेट आ गया है और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है, तो इसको चेंज करवा के अभी आ जाते हैं आधे घंटे में। बीटी भाग रहे हो? मिठी कहाँ है? मैं मिठी को ढूंढने जा रहा हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, चल चल अंदर, तू चल अंदर। अन्नी, अन्नी मुझे जाने दे। तू कहीं नहीं जाएगा। वो लोग मिठी को दूर लेके चल जाएंगे। मिठी का पता मिठी कहाँ है? अन्नी, अन्नी, अन्नी मैं खुद। तू पता नहीं बचा पाए ना? नहीं अन्नी। धामिनी, साहब क्या कर रही हैं आप? साहब ये भाग रहा था, किसी ने मिठी को गायब किया है। आप पुलिस बुलाइए, अभी के अभी पुलिस बुलाइए। इसे पुलिस के हवाले कीजिए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम अन्नी, मैं ऐसा क्यों करूं अन्नी? मैं तो आप सबके सामने ही हूं। साहब, आप पुलिस बुलाइए। दामदी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पहले शांत हो जाइए। हम है ना, आप फिक्र मत कीजिए, हम पुलिस को बुलाएंगे, हम मीठी को ढूंढ लेंगे। अन्नी मैं ऐसा क्यों करूं अन्नी? मैं तो आप सबके सामने ही हूं। झूठ बोल रहा है ये साहब, आप पुलिस बुलाइए। अन्नी मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो लोग मीटिंग को दूर लेके चले जाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हारी अन्नी नहीं हूँ। आकाश, ठाकुर साहब मैं आपके क्या हाथ छोड़ता हूँ? मैंने उन तीन आदमी को देखा है मीटिंग को लेते जाते हुए। आप अपने कमरे में जाइए, जब तक पुलिस नहीं आती हम वहां से बाहर नहीं जाएंगे। जाइए अपने कमरे में। जितना कहा गया है उतना ही करो। अंदर जाओ, बोलो मेरी पत्नी। मैंने कहा अंदर जाओ। ये मुझे जान दीजिए, बोलो मेरी पत्नी को लेके चले जाएंगे। जाओ अंदर जाओ। अरे भैया प्लीज, मैं झूठी बोल जाओ।